अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी धर्म से आते हैं। इनका परिवार एक यहूदी है। इनके पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। बचपन से ही अल्बर्ट आइंस्टीन पढ़ाई में अच्छे थे और हर समय क्लास में अव्वल आते थे। इनकी भाषा जर्मन है। इसके बाद इन्होंने इटालियन और अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया था। सन 1880 इनका परिवार म्यूनिख शहर चला गया था, जहां पर इनके पिता और चाचा ने एक कंपनी खोली थी। यह कंपनी बिजली के उपकरण बनाती है। एक समय म्यूनिख शहर के मेले में इन्होंने बिजली का इंतजाम भी किया था। इनकी मां ने इन्हें सारंगी बजाना सिखाया था, लेकिन इन्हें पसंद नहीं आया। इनकी संगीत के प्रति रुचि नहीं थी। इनकी शुरुआती शिक्षा कैथोलिक प्राथमिक स्कूल में हुई थी। आइंस्टीन ने शुरू में मॉडल और बिजली के यांत्रिक उपकरणों का निर्माण शुरू किया था। साल 1889 में अल्बर्ट आइंस्टीन को मैक्स तलमूड ने 10 वर्षीय आइंस्टीन को विज्ञान में महत्वपूर्ण ग्रंथों से परिचय कराया था। तलमूड अल्बर्ट के दोस्त थे और यहूदी धर्म के छात्र थे। तलमूड ने पूरे दिल से कई धर्मनिरपेक्ष शैक्षिक हितों के माध्यम से आइंस्टीन को प्रेरित किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन का व्यक्तिगत जीवन। आइंस्टीन एक भावुक, प्रतिबद्ध और जातिवाद विरोधी थे। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिंसटन नेशनल एसोसिएशन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल संस्था के मेंबर भी रहे थे, जहां से अल्बर्ट ने अफ्रीकी अमेरिकियों के नागरिक अधिकारों के लिए सबसे खराब बीमार मानते थे। वे नागरिक अधिकार कार्यकर्ता WEB डू बॉयस के साथ जुड़ गए थे। 1946 के समय अल्बर्ट ने पेंसिल्वेनिया में लिंकन विश्वविद्यालय का भी दौरा किया था। यह विश्वविद्यालय एक अश्वेत महाविद्यालय है। वहां उन्हें एक मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन ने एक बार अपने भाषण में कहा था, उनका कहना था कि मेरा इसके बारे में चुप रहने का कोई इरादा नहीं है। प्रिंसटन के एक निवासी याद करते हैं कि आइंस्टीन ने कभी कॉलेज छात्रों के लिए कॉलेज की शिक्षा में शुल्क का भुगतान भी किया था। आइंस्टीन का वैज्ञानिक समय और कार्य। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने पूरे जीवन काल में सैकड़ों किताबें और पत्रों को प्रकाशित किया था। आइंस्टीन ने 300 से भी अधिक वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक शोध पत्रों को प्रकाशित किया। वे खुद के काम के अलावा दूसरे वैज्ञानिकों के साथ भी सहयोग करते थे, जिनमें बोस आइंस्टीन के आंकड़े, आइंस्टीन रेफ्रिजरेटर और अन्य कई शामिल हैं। 1905 मिराबिलिस पेपर्स, यह पेपर 4 लेखों से संबंधित है, जिसे आइंस्टीन ने 1905 को ओनलडर फिजिक्स नाम की एक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित किया है, जिनमें प्रकाश बिजली प्रभाव इसमें क्वांटम विचारों को जन्म दिया। ड्रोनियन गति विशेष सापेक्षवाद और इक्वल्स मच 2 शामिल हैं। इन 4 लेखों ने आधुनिक भौतिकी की नींव के लिए काफी योगदान दिया है और अंतरिक्ष समय तथा द्रव पर लोगों की सोच को बदला है। इनके 4 लेख इस प्रकार हैं। दशलेख 1, अनुमानी नजरिया उत्पादन और प्रकाश के परिवर्तन के संबंध पर। 2, 1 स्थिर तरल में निलबिंद छोटे कणों की गति पर गर्मी की आणविक काइनेटिक थ्योरी के लिए आवश्यक। 3, आगे बढ़ते कणों के बिजली के गतिमान इलेक्ट्रोडायनामिक पर। 4, क्या एक शरीर की जड़ता अपनी ऊर्जा सामग्री पर निर्भर करती है। उष्माग्ति और अस्थिरता। साल 1900 में ओनालेनडर फिजिक को प्रस्तुत आइंस्टीन के पहला शोध पत्र पर था। यह 1901 में केशिकतव घटा की व्याख्या से निष्कर्ष शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया है, जिसमें पता चलता है कि अणुओं की उपस्थिति हेतु ब्राउनियन गति को ठोस सबूत की तरह उपयोग किया जाता है। 1903 और 1904 में उनका शोध मुख्य रूप से प्रसार घटना पर परिमित परमाणु आकार का असर पर संबंधित है, फोटोन और ऊर्जा क्वांटा। 1905 के समय में एक पत्र में आइंस्टीन ने बताया है कि प्रकाश स्वत की स्थानीय कणों क्वांटा के बने होते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश क्वांटा परिकल्पना को मैक्स प्लैंक और नील्स बोर सहित सभी भौतिकविदों ने माना नहीं था। रॉबर्ट मिलिकन की प्रकाश बिजली प्रभाव पर लंबा प्रयोग और कॉप्टन बिखरने की माप के साथ यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से 1919 में स्वीकार कर लिया गया था। आइंस्टीन ने निष्कर्ष निकाला है कि आवृत्ति एफ की हर लहर ऊर्जा HF प्लैंक स्थिरांक है। उन्होंने इस बारे में और अधिक नहीं बताया है, क्योंकि वे कन्फर्म नहीं थे। कुछ प्रयोग शोध करके समझाया जा सकता है, जिसे ही बाद में विशेष रूप से प्रकाश विद्युत कहा जाता है। चाल कोण 1910 के दशक के समय अलग अलग तरीकों से क्वांटम यांत्रिकी के दायरे में लाने के लिए इसका विस्तार हुआ। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाभिक की खोज और यह प्रस्ताव के बाद कि इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह कक्षा में घूमते हैं। नील्स बोह यह दिखाने में सक्षम हुए कि प्लैंक द्वारा शुरू और आइंस्टीन द्वारा विकसित क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की असतत गति और तत्वों की आवर्त सारणी को समझाया जा सकता है। गैर वैज्ञानिक विरासत। एक बार आइंस्टीन अपनी पत्नी एल्सा और गोद ली हुई पुत्री कदमुनी मार्गेट को एक पत्र लिखा था।
मार्गरेट आइंस्टीन ने इन निजी पत्रों को जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए अनुमति दे दी थी, लेकिन साथ ही अनुरोध भी किया कि इनकी मृत्यु के 20 साल बाद तक ऐसा नहीं किया जाए। उनकी मृत्यु 1986 में हो गई थी। आइंस्टीन ने ठठेरे प्लम्बर के पेशे में अपनी रुचि व्यक्त की थी और बाद में उन्हें प्लम्बर और स्टीम फिटर्स यूनियन का एक मानद मेंबर बनाया गया था। हिबू विश्वविद्यालय के अल्बर्ट आइंस्टीन बारबरा वुल्फ ने बीबीसी को बताया कि 1912 और 1955 के बीच लिखे निजी पत्राचार के लिए लगभग 3500 पत्र हैं। रोचक तथ्य, उस विश्व के युद्ध से पहले की अवधि में न्यूयॉर्क ने अपने एक टोकऑफ टाउन कॉलम में एक खबर प्रकाशित किया था, इतनी अच्छी तरह से जाना जाता है कि लोग उन्हें सड़क पर रोककर उनके द्वारा दिए गए विचारों की व्याख्या पूछने लगते थे। वे उनसे कहते हैं कि मुझे माफ कीजिए, मुझे लोग अक्सर प्रोफेसर आइंस्टीन समझते हैं। आइंस्टीन ने अपने जीवन में उपन्यास, फिल्मों, नाटकों और संगीत का विषय या प्रेरणा रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने दिमाग में ही शोध का विजुअल प्रयोग कर खाका तैयार कर लेते थे। उनका लेबोरेटरी प्रयोग से भी ज्यादा सटीक होता था। पुरस्कार और सम्मान, आइंस्टीन ने कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं। 1922 में उन्हें भौतिकी के क्षेत्र के लिए अपनी सेवाओं और विशेषकर फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के कानून की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1921 में कोई भी नामांकन अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित मापदंडों में खरा नहीं उतरा तो 1921 का यह पुरस्कार आगे बढ़ा। 1922 में आइंस्टीन को इसमें सम्मानित किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के सुविचार, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। ईश्वर के सामने हम सभी एक बराबर ही बुद्धिमान हैं और एक बराबर ही मूर्ख भी है। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, पहला यह है कि कुछ चमत्कार नहीं है, दूसरा यह है कि दुनिया की हर चीज चमत्कार है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। एक सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले इंसान बनो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा और रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल नॉलेज हैक्स।